गाइस, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने लोहे के बर्तन में ऑयल डालना है और उसे गर्म करना है। अब मैं इसके अंदर सहज लीव पाउडर डालूंगी 1 चम्मच। सहज लीव पाउडर बहुत अच्छा होता है बालों के लिए, मैंने इसको ऑनलाइन मंगवाया है, आपने भी इसको ऑनलाइन ही मंगवाना है। अगला दोस्तों, मैं इसके अंदर अलसी के बीज डालूंगी 1 चम्मच, जो बहुत अच्छे होते हैं बालों के लिए। जब ऑयल के अंदर इसका जो एक्सट्रैक्ट है, इसका जो तत्व है ऑयल के अंदर आते हैं, तो ये बालों में बहुत अच्छा वर्क करते हैं। अब मैं इसके अंदर जो चीज़ डालने वाली हूँ दोस्तों, वो है 1 चम्मच मेथी दाना। मेथी दाना जो होता है दोस्तों, वो बालों को जड़ों से मजबूत करने में, काला करने में, घना करने में बहुत हेल्प करता है। अब तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से ऑयल में आपने गर्म करना है। ऑयल में इसको गर्म करने के बाद आपने 3 से 4 मिनट तक हल्की आंच पे ही इसको गर्म करना है। उसके बाद आपने इसे 5 दिन के लिए इसी तरह से बॉटल के अंदर, एक कांच की बॉटल के अंदर बंद करके रख देना है। उसके 5 दिन के बाद ये ऑयल बनके तैयार होगा। फिर आपने इसे अपने बालों में लगाना है, पूरी रात लगा के रखना है। सुबह आपने अपने बालों को वॉश करना है। टीनेजर भी इसका यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, देखिएगा कि इसके रिजल्ट कितने अच्छे आते हैं। धीरे धीरे करके आपके बालों को ब्राउन से ब्लैक करेगा, ग्रे हेयर की समस्या को डेफिनेटली ख़त्म करेगा, क्योंकि ये तेल बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। बालों को बहुत बढ़िया, बालों को बनाता है, मजबूत बनाता है, और जो स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम होती है उसे भी ख़त्म करता है, फंगल इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है, बालों को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है, ड्राइनेस को ख़त्म करता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इसका लगातार 2 महीने तक यूज़ करना है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।